नमस्ते, आप सबका स्वागत है। हमारा इस हफ्ते का स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। तो लाइक लास्ट लॉकडाउन से हम चक्रपाणि आयुर्वेद के द्वारा काफी बार नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। लाइक हम नॉलेज के साथ साथ हम चर्चा भी करते हैं। लाइक आपको कोई कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो हम एक एक विषय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसको स्वास्थ्य चर्चा में हम वेबिनार सीरीज इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ। तो दिस वीक हम बात करेंगे लंग हेल्थ, मतलब हमारा लंग्स का हेल्थ, या उसको आयुर्वेद का द्वारा हमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लंग्स को हेल्थ, या ओवरऑल हमारा लंग हेल्थ होने से हमारा सिस्टम भी ओवरऑल हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, सो आपका समय के लिए धन्यवाद। विल स्टार्ट। तो इसमें मैंने लाइक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, लाइक आयुर्वेद के हिसाब से क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स, उसके उसके लिए हम आयुर्वेद के द्वारा घर में या क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया है। लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ओवरऑल लॉन्जेविटी के लिए लंग्स का रोल और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हेल्थी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें चाहिए वो कैसे हमें मेंटेन कर सकते उसके बारे में हम देखेंगे आज का स्वास्थ्य चर्चा में। अंत में हमें डिस्कशन भी करेंगे, आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो आपको डिस्कस भी क्वेश्चन भी कर सकते। और लास्ट वीक हम दिनचर्या और इम्यूनिटी के बारे में बात किया था, उसमें काफी सारे क्वेरीज भी आए थे। आपको चाहे तो उसका वीडियो फेसबुक में, हमारा फेसबुक पेज में अवेलेबल है। लास्ट वीक जिनको अटेंड नहीं कर सके तो वो लोग अभी फेसबुक से उसका इंफॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगा। और आपको कोई क्वेरीज उसके बारे में भी कुछ क्वेरीज है तो आपको वी कैन डिस्कस, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो आप सबको जानते हैं लाइक व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स, लाइक मेन लोकेशंस, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। एंड रेस्पिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ दैट वी ऑल नो। हमारा लाइफ के लिए हाउ मच इम्पोर्टेंट इज रेस्पिरेशन, एंड उसका लाइक एक पिक्चर आपको, लाइक आप सबको ये सब बेसिक नॉलेज जानते हैं, फ्रॉम नोस, नोस से शुरू होते हैं एंड लंग्स तक, लाइक आल्वियोला तक वो कंटिन्यू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसको, इसके बारे में क्या बोलते हैं, इट इज लाइक प्राणवायु। सो आप सबको जानते हैं व्हाट इज प्राणवायु। आयुर्वेद में लाइक कंसेप्ट है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू प्राणवायु, प्राणवाता और प्राणवायु। सो वायु का पंच विधान है, लाइक पंचविध वायु है, प्राण उदान अपान ध्यान समान ही। तो लाइक इसमें ऐसे पांच वातों का क्लासिफिकेशन है, इसमें मेनली प्राणवायु हम रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लेते हैं। लाइक उसका अदर देन रेस्पिरेटरी, इसके अलावा स्टीवन शवदु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश, मतलब ये सब ये प्राणवायु का फंक्शंस है, मतलब उसका ड्यूटीज है कि लाइक स्टीवन हम थूकना है या छींके आते हैं वे सब इसका लाइक डेग्लूटिनेशन, मतलब हम खाना खाते तो वो नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये सब प्राणवायु का मेन रोल होता है। इसमें मेन है निश्वास या श्वास, दैट मींस द रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज मेनली प्राणवायु का, प्राणवायु का फंक्शन है। सो लाइक इसमें क्या, लाइक खाली प्राण को अंदर लेना ही नहीं होता है, इट इज द लाइक क्या है pulmonary ventilation, या लाइक ब्लड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, वो भी प्राणवायु का फंक्शन होता है। इसलिए इसका मोल या इसमें
हृदय भी संबंधित है, लाइक दिस कंबाइंस बोथ लंग्स एंड हार्ट एज अ यूनिट. सो इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आयुर्वेदा एज द एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दोनों, लाइक लंग्स और लंग्स को फुफ्फुसा बोलता है आयुर्वेद में, फुफ्फुसा और हृदय ये दोनों आवश्यकता है और दे आर द मेन फंक्शनल सिस्टम कंसर्न विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. So pranavaya is compared with the atmospheric oxygen which is necessary to carry out the vital functions of the life. Like hum sharmadara samhita mein dekhne se humko ek shlok mil jayega ki what ye process of respiration kaise hote hain. So isme aise bola ki like ambara pitva cha ambara piyusha, that means hamara environment, ambara means the nectar of the sky aise bolte hain. So nectar of the sky मतलब जो sky या environment में क्या होते हैं अमृत या nectar होते हैं उसको we intake in the process of respiration, that is nothing but oxygen. So oxygen हम environment या sky से लेते हैं या inhale करते हैं, उसको Ayurveda ने mention किया है like ambara piyusha, we can consider that as the oxygen. So pranavayu is like the so जो inhale करते हैं and it goes to the further areas like through the channels. हम जो inhale करते हैं वो air will be travels through the channels. वो channels को हम स्रोतस बोलते हैं आयुर्वेद में. So in this case the respiratory system में वो प्राणवाह स्रोतस, प्राणवाह जो जिस जिनने प्राणवायु को वहन करते हैं like या flows through which that tract is called as pranavaha srotas. So ye hai pranavaha srotas matlab pura respiratory tract ko hum pranavaha srotas mante hain. Okay, so main aise hi kar raha hu, aaj aapko like ek introduction de raha hai ayurved mein respiratory system kya hai, uska diseases kya hai aur usko kaise treat karenge, ya lungs ka respiratory system mainly lungs. So isme first of all pranavaha srotas, pranavata iske bare mein explain kar raha hu. So larynx hai, then bronchus, cluster of alveoli, these are considered as the channels or sources of prana vayu. Then pranavaha srotas, the body's functions are depend on normal function of pranavaha srotas. Matlab hamara all systems, different system, bones ho ya muscles ho or digestive system ho, sab aur ek ek cells ka jeevan ke liye ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसको जो हम आयुर्वेद में देखने से प्राणवायु स्रोतस, दैट मींस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रैवल्ड और उसको सेल्स या टिश्यूज में पहुंचाने के लिए ये चैनल्स द्वारा पहुंचता है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि पूरा सिस्टम या बॉडी का कंप्लीट सिस्टम फंक्शन के लिए प्राणवायु स्रोतस इज अ मस्ट और हेल्थी प्राणवायु स्रोतस होना चाहिए. So this prana can only exist in combination of integrated functions like agni, like body's metabolism ke liye bhi ye chahiye, and body properly metabolize karne se oxygenation aur wo uska function pura ho jayega. Soma means fluid system ke hai, like lymph flows ya circulatory flow bhi hum isi condition guarantee याद कर सकते हैं कि लाइक ब्लड सर्कुलेशन या लिम्फैटिक सर्कुलेशन, देन नर्वस सिस्टम, इस सब में लाइक ब्रेन, अभी ब्रेन फंक्शन के लिए भी ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. देन सत्व रजस तम लाइक लिम्बिक एंड हाइपोथैलेमस, दैट मींस हमारा लाइक साइकोलॉजिकल या साइकिक आवर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो नीडेड. देन एंड फाइव सेंस ऑर्गन्स like pancha indriyas, all the ear, nose, throat, all the indriyas ke liye bhi like ye pranavaha srotas or healthy pranavaha srotas chahiye. Theek hai, so these are the function, normal function. Ye respiratory system se kya hota hai, respiratory system ka dusra system ka prabhav kya hai, so a healthy pranavaha srotas is needed. So प्राणवाह स्रोतो दृष्टि मतलब क्या है, जो हेल्थी कंडीशन है उसको कुछ बीमारी पड़ जाता है या उसी कंडीशन को किसी एक्सटर्नल या हमारा इंटरनल
कॉज से उसका नॉर्मल सी जो नॉर्मल उसको बर्थ कंडीशन होता है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या उसका लाइक विशेषण या उसका अपनॉर्मल सी बन जाते हैं। वो कैसे है, लाइक व्हाट आर द रीजंस फॉर प्राणा स्रोत दृष्टि फॉर स्रोत दृष्टि मीन्स दृष्टि मीन्स लाइक अपनॉर्मैलिटी और एनी इम्प्रॉपर कंडीशन और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो डस्ट, पॉलन, पोल्यूटेड एयर, कोल्ड वेदर, इंजरी टू द चेस्ट, तो ये सब लाइक एलर्जीज बन जाते हैं रेस्पिरेटरी, मतलब पोल्यूशन वगैरह होने से लाइक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से फिर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ऐसे दूसरा कंडीशन भी डेवलप हो जाता है। इनटेक एंड एक्सपोजर टू कोल्ड सब्सटेंसेस, मतलब ज्यादा ठंडे चीज लेने से भी कोई माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए चांसेस होते हैं, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। वो भी एक आयुर्वेद मानते हैं कि लाइक नेचुरल अर्जेस, वो उसके बारे में भी हम काफी बार एक्सप्लेन किया है कि नेचुरल अर्जेस मतलब हमारा जो वेग है, लाइक छींकना है अभी तो किसी को, रोना है तो वो नहीं रोकना है, हम यूरिनेट करना पेशाब करना है तो वो नहीं रोकना है, तो हमारा जो नेचुरल अर्जेस होता है उसको हम नहीं रोकना। उससे क्या है, लाइक ये जो हमारा फंक्शन है, नेचुरल फंक्शन है, नेचुरल अर्जेस है, वो वात के द्वारा होता है, लाइक इट्स अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ वात। वो नॉर्मल मूवमेंट या नॉर्मल फंक्शन ऑफ वात को रोकने से वो वात बढ़ जाता है, तो वो प्राणवात। आप अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बोल रहे तो वो प्राणवात है, तो ये वायु बढ़ने से या वायु हमारा बॉडी में बढ़ने से इट विल कॉज फर्दर दूसरा बीमारी के लिए होते, तो कोई भी लाइक नेचुरल अर्जेस को भी रोकने से डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस बीमारियां बन जाते हैं। और माल न्यूट्रिशन भी है, आमा कृमि, सो आमा या कृमि मीन्स क्या है, लाइक अभी आजकल ये वायरसेस के द्वारा में या बैक्टीरिया भी है, लाइक एनी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल ऑर्गेन्स मतलब बाहर से कुछ भी इंफेक्शियस लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस और ये सब होने से भी लाइक हमारा प्राण वहां स्रोत दृष्टि होता है, लाइक बीमारियां लंग्स रिलेटेड या रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। तो अभी आजकल ये कोरोना की कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर मेन, मतलब खांसी या जुकाम हो, लाइक लंग्स का इन्फेक्शन लाइक निमोनिया हो, सो ये जल्दी डेवलप हो जाता है। तो ये सब एक रीजंस होता है, एक नॉर्मल सी एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरा करने के लिए ये सब निदान मानता है। तो एक बार ध्यान में रखिए, ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग लाइक एक्सेसिव इनटेक ऑफ कोल्ड मटेरियल्स और माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर नरिशमेंट भी चाहिए, जब उससे भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा तो बाहर का लाइक कोई ऑर्गेनिज्म या वायरस या बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, इसलिए माल न्यूट्रिशन भी एक रीजन मानता है। ठीक है, सो दिस आर द प्राणा स्रोतो दृष्टि, दैट मीन रीजंस, उससे ये हमारा लंग्स रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे विशेष हो जाते हैं। देन ऐसे विशेष होने से प्राणा वहां स्रोत मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स को कोई इन्फेक्शन या बीमारी होने से क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं। आयुर्वेदा ऐसे मानना है कि उससे अधिसृष्टा, दैट मीन्स इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, दैट मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो लंग्स के रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम आते हैं। तो आयुर्वेद आचार्य ऐसे एक्सप्लेन किया है कि प्राणा का स्वाद दृष्टि होने से हमारा ब्रीथिंग मेनली अफेक्टेड होता है। ब्रीथिंग कैसा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, लाइक अधिसृष्टम दैट मीन्स इंक्रीज्ड, जैसे सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होता है, लाइक अधिबद्धम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कुपितम अल्पम अपेक्षणम दैट मीन्स ब्रीथिंग पैटर्न इज शॉर्ट विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, लाइक थोड़े देर के लिए ब्रीथ करते हैं फिर वो लेने के लिए दिक्कत होता है। ऐसे व्हेन सशब्द शूल दैट मीन्स आवाज भी आता है, लाइक सांस लेने के लिए भी आवाज आ जाता है और छाती में दर्द भी रहता है, तो वो लाइक प्राइमरी स्टेज या पहले जो नॉर्मल नॉर्मल या लाइक लंग्स का इन्फेक्शन का रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ये होता है। एंड
अगले लाइन में ऐसे लेकर आक्रोशनम विनमनम मोहनम ब्राह्मणम वेपनम मरणम, दैट मीन्स दिस इज हाई लेवल इन्फेक्शन, और ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रोंकियोल से या उसका डिस्ट्रक्शन या ब्रोंकाइटिस, ये कंडीशन में क्या है लाइक इवन डेथ मरना मोहना भ्रमण, दैट मीन्स चक्कर हो जाते हैं कि लोग बेहोश हो जाते हैं, एट द एंड में मरना डेथ ऑल्सो कैन बी हैपन. तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का लाइक क्लैप्स होने से ये जो लंग्स या एल्वियोलर फंक्शन कोलैप्स होने से डेथ भी बीमारी लाइक मर भी जाने का चांसेस है. ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया आयुर्वेद में. तो अभी लाइक प्राणवायु का सिम्टम्स देखने से हमें लाइक क्वाइट सिमिलर टू वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या निमोनिया लाइक और क्रॉनिक और एक्यूट एस्थमेटिक कंडीशन, ये सब का सिम्टम्स आयुर्वेद के हिसाब से सेम ही होते लाइक अधि सिस्टम अधिपत्यम कुदरम. ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है रेस्पिरेटरी डिजीजेस है ये सब में हमें ये विविध रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का लक्षण हमें देख सकते. सो दीस आर द प्राणाघ श्रोधो दृष्टि लक्षण लक्षण मीन्स द सिम्टम्स, ये अलग अलग सिम्टम्स हमें देख सकते. ठीक है, देन वी गो टू चिकित्सा, उसको हम कैसे हमें लाइक मैनेज कर सकते हैं. सो फर्स्ट आयुर्वेद का हमेशा यही मानते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि निदान परिवर्तन, अवॉइड एथियोलॉजिकल एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, दैट मीन्स जिस जिन रीजन से निदान से ये बीमारी पैदा हुआ उसको मेनली रोकना है. मतलब कोई लोग को एलर्जी से रेस्पिरेटरी एलर्जी हो जाते हैं, नहीं तो ज्यादा ठंडा पानी पीने से होता है, नहीं तो नेचुरल एलर्जीज रोकने से होता है, इनकेस ऑफ वायरस या कोई माइक्रोब्स होने से उससे दूर होना मेनली होता है. सो निदान परिवर्तन, तो आजकल हम ये सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन ये सब मास्क वगैरह ये सब क्या है लाइक इट्स अ टाइप ऑफ निदान परिवर्तन. मतलब जो बीमारी नहीं आने के लिए हम पहले सुरक्षा पालन करते हैं तो उसको भी हम निदान परिवर्तन में मानते हैं. अवॉइड एथियोलॉजिकल फैक्टर्स या कोई भी निदान और कोई भी कॉसिंग द पॉजिटिव फैक्टर उसको अवॉइड करना है, नहीं तो उसको रोकना है. दैट इज द फर्स्ट लाइन. देन शोधन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में हमेशा लाइक वो मेन होता है लाइक प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन. उससे क्या है लाइक कुछ भी अंदर टॉक्सिन्स रहता है उसको निकालने के लिए बेस्ट होता है. और अभी लाइक पीरियोडिक अभी जिनको बीमारी नहीं है तो वो लोग भी शोधन क्रिया कर सकते हैं लाइक पंचकर्मा लाइक विरेचन हो गया नस्य हो गया. ये सब करने से क्या है ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. तो इम्यूनिटी बढ़ाने से भी हम वो डिसीज को रोक सकते हैं. तो इसलिए शोधन चिकित्सा इधर मानते. तो हम लास्ट क्लास में बताया कि अनु ऑयल मतलब कोई भी अनु ऑयल के अलावा कोई भी लाइक घृत देसी घी या तिली का तेल ये सब भी हम नोस में लाइक डाल सकते हैं. तो उससे भी लाइक कुछ भी गंदगी लाइक या कोई माइक्रोब्स का अटैक भी प्रिवेंट कर सकते हैं. वो कैसे लाइक इट क्रिएट्स अ कोटिंग एक म्यूसलरी म्यूकस मेम्ब्रेन में एक कोटिंग बन जाता है और एक म्यूसलरी लेयर होता है. मतलब एक म्यूसलरी लेयर मतलब जल लेयर्स ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन. सो दे हैव द अब्सॉर्प्टिव पावर. मतलब कुछ भी हम अनु ऑयल या सरसों तेल ऐसे कोई भी मेडिकेटेड ऑयल अप्लाई करने से ये जो म्यूसलरी बेल्ट से दे गेट अब्सॉर्ब्ड, इसलिए अब्सॉर्ब कर सकते. ये सब हम लास्ट क्लास में भी लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया था. तो वैसे क्योंकि अभी ये भी नस्य भी एक शोधन क्रिया मानते हैं तो इसलिए ये शोधन चिकित्सा भी हमारा लंग्स का हेल्थ के लिए और हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेन होता है. ओके, तो शमन चिकित्सा ये मेन होता है. शमन चिकित्सा मतलब ये सिम्टमेटिक मतलब खांसी है तो ये कुछ भी पर्टिकुलर मेडिसिन ले सकते हैं. फीवर है तो ये लाइक सांस लेने में दिक्कत है तो ये छाती में लाइक दर्द है तो वो सीने में दर्द है तो वो
पर्टिकुलर दवा ले सकते हैं। तो वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होते हैं वो भी लाइक मेन इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आहार विहार लाइक आपका डाइट क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है और लंग्स का हेल्थ बढ़ाने के लिए या ओवरऑल रेस्पिरेटरी कंडीशन बढ़ाने के लिए हेल्थ बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, एक्सरसाइज है और ऐसे आहार और विहार है एंड रसायन थेरापी। तो एक एक मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। रसायन थेरापी मतलब रेजुवेनेशन, क्या क्या लेने से आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेजुविनेट कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो लेट्स सी, अभी जो इधर बताया मैंने शमन चिकित्सा, ये शमन चिकित्सा में या कंडीशन के हिसाब से या क्या क्या दवाइयाँ लाइक आयुर्वेद में क्या क्या जनरली हम रेस्पिरेटरी या लंग्स का हेल्थ के लिए क्या क्या देता है जनरली, इसके बारे में एक बार बात करूंगा। वासा, वासा इस इसको हिंदी में अडूसा बोलते हैं, अडूसा लाइक एंटी टूसी मतलब खांसी के लिए अच्छा है। कुछ भी कोई वैरायटी ऑफ ट्राइप ऑफ या लाइक मेकुलेटरी कंडीशन के लिए वासा, वासा से लाइक काफी सारे प्रोडक्ट है। वासा का टैबलेट है, वासा डिस्क है, वासा वो लगे लाइक वासा डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है लाइक आयुर्वेद का मेडिसिन फॉर्मुलेशन में। एंड ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेशन मतलब ये लाइक ये हमारा ब्रोंकस में लाइक थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन या इन्फेक्शन की वजह से या कफ जमाव से इट्स लाइक काइंड ऑफ वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। ये ऐसे ब्रोंको डायलेटर दवाई लेने से लाइक अभी आंकड़े दवाई में भी डेरोफिलिन जैसा दवाई देते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक दे आर ऑल्सो ब्रोंको डायलेटर्स, बट वी कैन आयुर्वेद के द्वारा ये नेचुरल ब्रोंको डायलेटर्स होता है। एंड एंटी एलर्जन, सो एलर्जी की वजह से भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस होता है, तो वासा इसी के लिए बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन है। देन कंटकारी, सो कंटकारी को हिंदी में कटेरी बोलते हैं, सो लाइक दैट इज ऑल्सो ब्रोंको डायलेटर, डिक्रीज एडिमा एंड सेक्रेशन इन द एयरवे लूमन, मतलब ये जो प्राणवायु स्रोतस है ना लाइक ट्रैक्ट अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एडिमा या सेक्रेशन को कम करने के लिए कंटकारी या कटेरी इज अ बेस्ट चॉइस। इसके मतलब आपको सबको पता है लाइक मुलेठी भी लाइक खांसी के लिए अच्छा है, बलगम निकलने के लिए अच्छा है, आस्मा के लिए अच्छा है एंड इट्स लाइक अ इम्यूनो स्टिमुलेंट, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मुलेठी एक घरेलू उपचार ही बोल सकते हैं, लाइक रेगुलर इनटेक भी अच्छा है। पुष्कर मूला इज ऑल्सो हर्ब, इट इज एंटी अस्थमैटिक, एंटी स्पैस्मोडिक, एंटी हिस्टामिनिक एंड इंप्रूव्स पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन भी ओवरऑल लंग्स फंक्शन या लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पुष्कर मूल भी आता है। सो ये हमारा लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन गुड़ी टैबलेट्स में चूर्ण फॉर्म में ये सब मिलता है। देन भारंगी इज अनदर हर्ब एंड हिस्टेमिक मास्ट सेल स्टेबलाइजेस, दैट इज मास्ट सेल इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का एक कॉम्पोनेंट है मास्ट सेल। देन तुलसी सबको बताए लाइक तुलसी इज ऑल्सो इम्यूनो मॉड्यूलेटर, एंटी कैंसर एक्टिविटी, अभी लंग कैंसर के लिए लाइक ये भी एक मेन हर्ब है लाइक टू हेल्प टू इम्प्रूव द फंक्शन और इम्प्रूव द लंग फंक्शन। तुलसी इज ऑल्सो अ कॉमनली यूज हर्ब। हरिद्रा लाइक हल्दी, हल्दी भी लाइक एंटी कैंसर एक्टिविटी है एंड एंटी एलर्जी, इट्स लाइक एंटी सेप्टिक भी है, सेप्टिक मतलब कोई भी लाइक इन्फेक्शियस एजेंट्स को लाइक अभी वायरस है, वायरस के लिए भी आजकल हम काफी बार एक्सप्लेन किया है दूध में भी हल्दी डाल के देने से भी यू कैन गेट इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। देन सो दीज आर द फ्यू, आई मीन ऐसे बोलने से यहाँ पे काफी सारे दवाई हैं, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स का हेल्थ के लिए ये वेरी कॉमनली यूज हर्ब्स है। आपके घर में भी इसमें ज्यादातर यूज कर सकते हैं, हल्दी है, तुलसी है और कंटकारी मुलेठी है, ठीक है। सो दिस आर द कॉमनली यूज हर्ब्स। तो अभी हम जाएंगे लाइक मैंने दो तीन लाइक ऐसे डाल दिया कि लाइक आपका घर में लाइक कर सकता है लाइक कुछ भी स्मॉल स्मॉल कंडीशन के लिए, कॉमन फ्लू कोल्ड या फ्लू कंडीशन के लिए ड्राई जिंजर सौंठ एंड
दालचीनी और आंवला का ड्राई ड्राई पाउडर को हम एक चूर्ण जैसा बना के पानी में, गुनगुना पानी में मिक्स करके डेली 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद के साथ मिला के आप सुबह शाम को या 3 बार ले सकते हैं। इट इज लाइक अ गुड फॉर कॉमन कोल्ड या फ्लू। ठीक है, सब इजिली अवेलेबल है, सौंठ है, दालचीनी है और आंवला है। सेम कोल्ड या फ्लू के लिए, मतलब ये कोल्ड और फ्लू क्या है, लाइक वो बट मतलब हम फर्स्ट स्टेज में ट्रीट नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट स्टेज लाइक इन्फेक्शियस हो सकता है, लाइक इट मे लीड टू ब्रोंकाइटिस और फर्दर इन्फेक्शियस कंडीशन। देन अ डिकॉक्शन प्रिपेयर्ड फ्रॉम धनिया, मेथी एंड थोड़ा सा लाइक हल्दी और इलायची, इसका पाउडर मिक्स करके लेने से उससे भी कोल्ड से मतलब जुकाम से आपका फायदा मिल जाएगा। जुकाम काफी ये सब के लिए अच्छा है। देन नेसल डिकंजेशन टी, मतलब नाक बंद हो जाते हैं उसी कंडीशन में आपको एक टी, घर में एक टी बना के ले सकते हैं, लाइक हल्दी, जिंजर, अदरक और इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, इसका एक टी बना के थोड़ा सा शहद भी मिला के गरम गरम पीना है। गरम गरम पीने से आपका नाक बंद होने के कंडीशन में यूजफुल हो जाता है। डिकंजेस्टेंट इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब बाप लेना है, लाइक कोई भी लाइक घर में भी आपको ये कर सकते हैं, लाइक कपूर या यूकेलिप्टस ऑयल, उसका बॉइलिंग वाटर में गर्म उबाल हुआ पानी में, नहीं तो पानी इससे उबाल के उसका बाप लेने से भी आपका नाक बंद हो जाता है, उसके लिए आराम मिल जाएगा। दिस इज लाइक ए नेसल डिकंजेशन टी। देन खांसी के लिए जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी और काली मिर्ची, सो वो हनी के साथ लेने से आपका खांसी में भी आराम मिल जाएगा। जीरा, धनिया, हल्दी, उसका क्वांटिटी मैंने लिखा है, इफ यू वांट यू कैन नोट। मेथी और पेपर, काली मिर्च भी आपको यूज में ले सकते हैं। सो जीरा ऐसे लाइक हम चबाने से भी इट्स गुड फॉर लाइक कंडीशंस लाइक खांसी, जुकाम और इवन डाइजेस्टिव के लिए भी, कंडीशंस के लिए भी अच्छा है। लाइक यू नो ये बाला जीरक आदि स्वाद मिलता है, या अरिष्टम में भी ऐसे ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स या ऑलमोस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन में आता है, तो आप ऐसे वाले चीज आप घर में भी कर सकते हो, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। देन यस, अमनदीप सिंह जी पूछे, कैन वी ऐड हनी इन हॉट वाटर, लाइक बेटर मतलब जो नॉर्मल हेल्थ के लिए तो अभी नहीं डाल सकते, नॉर्मल हेल्थ के लिए तो नहीं, अभी खांसी की कंडीशन में वी कैन ऐड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो अंत में और 2-3 स्लाइड्स है, देन वी कैन डिस्कस कफ। खांसी के लिए लॉन्ग लाइक क्लोव, मतलब थोड़ा सा वो गर्म होता है, तो हैवी कफ या उसी कंडीशन में हनी के साथ आपको ले सकते हैं। सेम पेपर, 1 ग्राम पाउडर फीड विथ घी एंड हनी ट्वाइस डेली, उसे भी काली मिर्च से भी हमें काली मिर्च और थोड़ा सा घी और हनी मिक्स करके डेली ले सकते हैं। ओके, वॉइस इज लो, ठीक है, आई विल ट्राई। हर्बल प्रिपरेशन लाइक फॉर वीसिंग, वीसिंग मतलब जो लंग न्यूमोनिक कंडीशन में, लंग्स का वीसिंग कंडीशन में, जिंजर, मुलेठी, ब्लैक पेपर एंड 1 कप ऑफ हॉट वाटर, उसको लाइक हम फांड बोलते हैं आयुर्वेद में, या हॉट इन्फ्यूशन, सो हॉट इन्फ्यूशन बना के आपको ले सकता है, लाइक 1 टीस्पून ऑफ जिंजर, अदरक, मुलेठी एंड काली मिर्च, में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मतलब साइंदा नमक भी डालना है। ठीक है, सो दैट इज फॉर वीसिंग। देन हर्बल प्रिपरेशन, तुलसी है, इष्टमधु, देन कांटकारी और हरिद्रा, सो वो भी लाइक इसमें कांटकारी मतलब मैंने पहले बताया, कटेरी बोलते हैं, आपका अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो यू कैन गेट इट फ्रॉम मेडिसिन शॉप्स। एंड श्वास टी भी इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स,
उसे भी लाइक ब्रीथिंग रेगुलराइज करने के लिए अच्छा है। तालिसादि आप सबको पता है, तालिसादि इज लाइक ए नॉर्मल मतलब घरेलू चीज ही जैसा है, लाइक घर में आप रखने से अच्छा है। इट हैज मल्टीपल इफेक्ट, लाइक डाइजेशन के लिए अच्छा है, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, लाइक थोड़ा सा चुटकी भर जो जिनको खांसी है वो चुटकी भर लाइक मुंह में डालने, लाइक एवरी 2 आवर्स और 3 आवर्स तालिसादि अच्छा है। तालिसादि ऐसे लाइक कुछ भी गले में खराश हो, लाइक टेस्ट अभी आजकल कोरोना में भी डिस्टेस्ट जो टेस्ट के लिए भी दिक्कत होती है, लाइक टेस्ट भी नहीं समझाते, लाइक इसी कंडीशन में तालिसादि इज वेरी वेरी इफेक्टिव। स्टीम, सो तुलसी या जो पिक्चर में दिखा रहे वो कपूरवली बोलते हैं या कपूर पत्ते बोलते हैं, वो लाइक मेक्सिकन मिंट, उससे भी स्टीम करने से लाइक इट्स यू कैन कीप योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्थी, जो हमारा प्राणवाह स्रोत को हेल्थी रखने के लिए इट इज वेरी गुड। तो उसका लाइक साइंटिफिक बेसिक भी है, दे हैव नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट ब्रोंको डायलेटर, मैंने बताया ब्रोंको ब्रोंकस को डायलेट करते हैं, एंड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी है, एंड एंडल एंटी वायरल एक्टिविटी। तो ये मैंने काफी सारे फर्स्ट बिगिनिंग में भी बताया, ये ड्रग्स को ये एंटी वायरल है, एंटी ब्रोंको डायलेटर, एंटी माइक्रोबियल, ये सब काफी सारे रिसर्चेस के बाद में डिफरेंट डॉक्टर्स ने रिसर्च करके इसको ऐसे साबित किया गया कि ये द्रव्य पत्ते को ये है वो है, लाइक सो दिस आर नॉट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश और समथिंग, लाइक आप दे आर साइंटिफिकली प्रूवन, सो यू कैन डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, लाइक जो मैंने बताया वो सबको, ठीक है। देन दिस आर अबाउट हर्ब्स, हर्ब्स के बारे में इतना ही बता रहा हूँ ड्यू टू द टाइम लिमिट, एंड आहार विहार एक्ट, आहार विहार में लाइक what are the things we have to take and we have to avoid. So avoid excess use of sweets, curd, high fatty milk, cauliflower, potato. Isme kya hai, like Ayurveda ke hisab se they are considered as guru or they are vata prakopa. So it may increases kapha. Example dahi, meetha, ye sab lene se kya like kapha dosha badhate, like through that so that the mucus secretion will be more. Repression of rice flour or black gram, or the dal se bana hua cheese, or matlab rice mein kya hai, like wo recent like purana, like wo purana rice ya thoda sa the thewal rice hai to aur acha hai. Cold water drinks, refrigerated food articles, excessive oils in food, so these are the things which should be avoid in Bihar mein. In lifestyle routine, avoid cold air, getting wet in drains, excessive physical and mental exertion. So ज्यादा लाइक नहीं तो ओवर डूइंग कुछ भी हमारा एक्सरसाइज या कुछ भी हम ओवर डूइंग करने से भी वात बढ़ता है, उससे लाइक अगेन फर्दर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगा, एंड मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, लास्ट वीक भी लाइक इम्यूनिटी के बारे में भी हम डिस्कस किया, तो स्ट्रेस से भी हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है, तो that is also needed. So avoid excess stress, yeah, mental strain. Factors and medication lead to physical and immunological damage. So koi steroids ho, I say like severe strong antibodies ho, lambe din lene se bhi dikkat ho jata. So try to usse hamara immunity ya dusra systemic disease aa jata. So prolonged consumption in a higher dose is not recommended. Okay. Then take cereals like wheat flour, seasoned rice, low fat milk, meat soups, light drinks and beverages, matlab kuch bhi heavy nahi hona chahiye, kuch bhi meetha ya cold nahi hona chahiye. Honey is a good expectorant bhi hai, shahad lene se acha hai, like vegetables including bottle grass, spinach, methi, lukewarm water aisa de sakte hain, and pranayama, yoga and pranayama. So studies बता रहे कि like pranayama causes increase in lungs and thorax compliance, respiratory muscle strength and tolerance of respiratory center against higher concentration of carbon dioxide. तो उससे
इसका लेवल्स में या रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और ओवरऑल लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम इज अ वेरी गुड. दैट मीन्स अनुलोम विलोम, धीरे धीरे जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना, इट्स अ गुड थिंग. बाकी योगा में भी वज्रासन है, लाइक भुजंगासन है, ऐसे काफी सारे, त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, लाइक ऐसे काफी सारे आसनास भी रेस्पिरेटरी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए अच्छे होता है. ओके, सो दैट इज अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज. एंड रसायन जो मैंने बताया, रसायन या रेजुवेनेशन, लाइक जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट टू इम्प्रूव और टू एनहेंस और बूस्ट रेस्पिरेटरी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हमें इसी में ये कोई भी यूज कर सकते हैं. च्यवनप्राश है, अमृतप्राश रसायन है, वासावले है, अगस्त्य रसायन, अश्वगंध रसायन, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर इन चक्रपाणि आयुर्वेदा ऑल्सो. सो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. देन अदर सिंपल मेथड्स, अदर सिंपल मेथड अभी जो मैंने ये लास्ट फाइट में इससे लाइक फोकस किया है कि आजकल ऑक्सीजन लेवल लाइक कम होता है, उसकी काफी सारे कॉल्स भी आते हैं, लाइक इसके लिए क्या कर सकते हैं. अल्टीमेटली हमारे लंग्स हेल्थ को ही बढ़ाना चाहिए, या जो ऐसे कंडीशन में हमारा ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है उसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं. तो आपको ये कर सकते हैं, लाइक प्रॉन पोजिशनिंग. प्रॉन पोजिशनिंग मतलब आप लाइक काफी पिक्चर्स भी आजकल आ रहे होते, लाइक ऐसे उल्टा लेटना, तो उसको प्रॉन पोजिशनिंग बोलते हैं, लाइक लाइंग ऑन बेली ऑन द प्रॉन. तो इसके लिए मतलब काफी सारे गाइडलाइंस आ गए हैं, तो आपको वो भी लाइक गूगल में मिलेगा. तो उससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स वेंटिलेशन, कीप एल्वियोलर यूनिट्स ओपन. लाइक हमारा जो एल्वियोलर होता है, एल्वियोलर इज द लाइक फंक्शनल यूनिट, द बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, उसका इम्प्रूव वेंटिलेशन को इम्प्रूव करते हैं. सो प्रॉन पोजिशन क्लीनिंग इज अ गुड मेथड टू इम्प्रूव ऑक्सीजन. देन ये स्टीम भी आजकल गेटिंग वेरी इफेक्टिव. उसमें हमारा राई होता है और अजवाइन और सैंधा नमक, वो डाल के स्टीम करना है. एंड आपको डेली, अभी कोई क्वेश्चन भी पूछे लाइक कैन वी डू डेली, यस आपको डेली भी लाइक 2 बार सुबह शाम को स्टीम कर सकता है. कितना तेज गर्म तो न होना नहीं चाहिए, लाइक नॉर्मल गर्म, गर्म से थोड़ा सा होना चाहिए, शुड नॉट बी टू हॉट. देन अजवाइन और गुड़, मतलब जागरी और अजवाइन का है ना, लाइक मिक्स कर लो, इक्वल अमाउंट मिक्स करके गोली, थोड़ा सा गोली बना के रखो, ऐसे वाला गोली दिन दिन में 2 बार ले सकते हैं. एंड काफी सारे चीजें लाइक पैनिक हो जाते हैं. अभी आप आजकल ये पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उससे देखते हैं 94 या 92 या 91, ऐसे होने से ज्यादा पैनिक पैनिक हो जाते हैं, मतलब घबराते हैं, लाइक अरे क्या हो गया मुझे, ऑक्सीजन कम होता है, इसे क्या करूँ. ऐसे पैनिक होने से भी लाइक वी हैव टू, हम उसका सोल्यूशन निकालना है, दैट्स अ मेन थिंग. एंड उसे ऐसे क्या है, लाइक वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ पैनिक अटैक इज हाइपर वेंटिलेटिंग. ऐसे करने से भी लाइक हमारा ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, थ्रू विच अगेन वो थोड़ा लाइक हमारा लंग्स वेंटिलेशन का थोड़ा सा अपसेट कर देते हैं. तो इसलिए पैनिक भी नहीं होना चाहिए. तो दूसरे किसी लाइक अभी ऑक्सीजन आप लाइक पल्स ऑक्सीमीटर में चेक करने से, आपका बिलो 95 कुछ होने से, आप थोड़ा देर 5 to 6 steps पैदल कर लीजिए, लाइक वॉक फॉर 5 to 6 steps, फिर आप एक बार वापस चेक कर लीजिए. देन अभी कभी भी लाइक वो कम होने से आप तुरंत डॉक्टर को दिखाना है या कांटेक्ट करना है मेडिकल फैकल्टीज को. मतलब ऐसे भी होता है कि एक ही जगह पे लाइक थोड़ा बैठ के लाइक करने से भी कम होते हैं, लाइक आफ्टर वॉक थोड़ा सा कदम 5-6 लाइक कदम करने के बाद वापस चेक करके एक बार आपको देख सकते हैं, तब नॉर्मल होता है, काफी कंडीशन में नॉर्मल होता है. आजकल ये जो लाइक प्रॉन पोजिशनिंग, ये स्टीम वगैरह करने से, यू कैन हेल्प अ लिटिल बिट फॉर ऑब्टेनिंग अक्वायरिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, देन राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ श्वासोच्छ्वास क्रिया, दैट मीन्स हमारा जो वी आर अलाइव, वैसे इसके लिए तो दिस रेस्पिरेशन या श्वासोच्छ्वास क्रिया इज नीडेड. उसे स्थापित करते लाइक वी कैन से लाइक वी आर अलाइव. सो रेस्पिरेटरी डिजीज अकाउंट फॉर वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन इंडिया. सो आयुर्वेदा हैव अ
सेफ मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, मतलब काफी लाइक क्रॉनिक कंडीशन के लिए भी हम आयुर्वेद का दवा या यूज करते हैं, एंड मेनी उससे काफी लोग उसके लिए भी लाइक रियलाइज होते हैं कि या समझते हैं कि लाइक आयुर्वेद से भी इसी कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, समझ के काफी लोग भी लाइक कम टू अस एंड अप्रोच आयुर्वेदा क्लिनिक्स और हॉस्पिटल. तो लंग हेल्थ के लिए भी वी हैव लाइक अ वेरी गुड रेंज ऑफ मेडिसिन एंड थेरापीज एंड ऑल. ओके सो थैंक यू. तो हमारा प्रीवियस वेबिनार्स के लिए और एनी अपडेट्स, ऐसे नहीं तो हम स्मॉल टिप्स वगैरह देते रहते, सो दैट यू कैन फॉलो अस इन यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. थैंक यू. सो आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वी कैन डिस्कस.